बिस्मिल्लाहिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर असद नकवी, होम्योपैथिक फिजिशियन। डियर व्यूअर्स, आज हमारा जो डिजीज़ टॉपिक है वो है शेटिका पेन। पहले मेरी एक वीडियो बन चुकी है शेटिका के बारे में, शायद आप लोगों ने वो वीडियो देखी हो, उसमें मैंने कुछ मेडिकेशन भी की थी। आज मैं एक अलग से मेडिकेशन करूँगा शेटिका के बारे में। शेटिका ये एक सख्त अजियतनाक पेन होता है और ये आपकी बैक बोन यानी आपकी कूल्हे की हड्डी से गुज़र कर पाँव यानी फीट यानी आपकी जो एड़ियाँ हैं यहाँ तक ये पेन ट्रैवल करता है। पूरी टांग में एक जानब दर्द होता है, शाज़ो नादर दोनों टांगों में ये दर्द हो सकता है। ये दर्द एक चौड़े पट्ठे में होता है जो कि कमर के पास से निकल कर एड़ी तक जाता है। इस पट्ठे को शियाटिक नर्व कहते हैं या अर्कुनसा इसे कहते हैं। इस मुनासबत से इस पेन को भी आप शेटिका कहते हैं, क्योंकि पेशेंट इस पेन में रेंग कर या फिर लंगड़ा कर चलता है, इसलिए इसको रेंगने वाला या लंगड़ी का पेन भी कहते हैं। इसके जो असबाब हैं उसमें पेन वाले पट्ठे पर किसी ट्यूमर यानी रसौली का दबाव, बैक बोन के मोरू में ख़राबी या अरसा तक भीगे हुए कपड़े पहने रखना या ठंडी जगह पर बैठना या एथराइटिस या गंठिया की तकलीफ़ होना, काफ़ी क्रॉनिक तकलीफ अगर हो गंठिया या एथराइटिस वगैरह तो उसमें भी ये पेन यानी शेटिका हो सकता है। ये तो उसकी मैंने कुछ आपको वजूहात बताई हैं शेटिका की, और इसके लिए जो हमारी होम्योपैथी की एक मेडिसिन है जो कि अक्सर औकात ये मेडिसिन मैं पेशेंट को एडवाइस करता हूँ और मुझे इसका काफ़ी बेनिफिट है, और ये मेडिसिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एडल 39 श्वाबे जर्मन कंपनी है, और एडल 39 इसमें से 10 से 15 ड्राप्स आधा कप पानी में दिन में 3 बार ये पेशेंट को आपने यूज़ करवाने, और ये मेडिसिन आपने कम से कम 3 मंथ तक यूज़ करवानी है, और इंशाल्लाह ताला शेटिका पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मेरे काफ़ी पेशेंट इस मेडिसिन से सेहतयाब हुए और ये मेडिसिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। डियर व्यूअर्स, ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और इसे लॉन्ग टाइम तक भी यूज़ करने से आपको इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलेगा, और ये आप बेशक एम्प्टी स्टमिक आप यूज़ करवा सकते हैं पेशेंट को, या खाना खाने के आधा घंटा बाद भी पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं, और इस ये मेडिसिन आपने 3 मंथ पेशेंट को यूज़ करवानी है। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये शेटिका के बारे में जो मुख्तसर सी मेडिकेशन थी ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी और आप इससे फ़ायदा लेंगे। नेक्स्ट मिलेंगे हम किसी और डिज़ीज़ किसी और रेमेडी के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।